गाय बैल कितना सारा बैठे रहते हैं रोड में, तो ये सब विशेष करके बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दिखा दूं तो ये है अंबिकापुर का बस स्टैंड, और इधर ये राइट में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं बनारस, और सीधा जाएंगे तो सूरजपुर मनेंद्रगढ़। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित राज, और आज आपको दिखाने वाला हूं टाटा नेक्सॉन कार। और इस कार को दोस्तों आज मैं लेकर जा रहा हूं कस्टमर के पास, कस्टमर को देने के लिए जाता हूं, और किस किस चीज़ का सावधानी बरतना पड़ता है रोड पर, तो वही आज आपको दिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, आइए चलते हैं आगे आपको दिखा। तो दोस्तों मैं अपने वर्कशॉप से निकल चुका हूं, और जैसे कि आप ये रोड में देख रहे हैं गाय बैल सब हैं, तो यही सब हमको ध्यान देना पड़ता है जब किसी का गाड़ी हम लेकर निकलते हैं वर्कशॉप से पहुंचाने के लिए उनके पास। तो हम सोचते हैं किसी प्रकार का कोई भी गाड़ी में स्क्रैच या किसी की गाड़ी में भिड़ंत ना हो जाए, कस्टमर को सही सलामत सुरक्षित गाड़ी हम पूरे जिम्मेदारी के साथ पहुँचाते हैं। तो ये देख सकते हैं गाय बैल कितना सारा बैठे रहते हैं रोड में, तो ये सब विशेष करके बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है गाड़ी जब भी हम निकलते हैं अपने वर्कशॉप से गाड़ी लेकर। तो ये देख सकते हैं और ट्रक भीड़ तो बहुत रहता है इधर रोड में। तो ये हम अभी बिलासपुर चौक के पास में अभी पहुंचा हूं, और यहां से मेरे को अभी और 7 से 8 किलोमीटर गांधी चौक साइड जाना पड़ेगा अम्बेडकर चौक, उससे 2-3 किलोमीटर फिर आगे गांधीनगर। ये देख सकते हैं हम ये चौक पे पहुंच गए हैं, ये है बिलासपुर चौक, इसी चौक से हमको अभी लेफ्ट की ओर मुड़ना है गांधी चौक जाने के लिए। और ये देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर चौक चौराहे पर, तो ये सब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, देख रहे हैं ना, कहीं से भी आदमी घुमा लेता है गाड़ी। और इधर बाइक वाले को देखिए, सब यही चाहते हैं कि हम जल्दी पहुँचें, और उल्टा सीधा कहीं से भी मिले मौका वहाँ से रास्ता बना लेते हैं लोग, अपना गाड़ी निकाल कर आगे बढ़ते हैं, ऐसा रहता है शहर में। तो ये है दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूँ बस स्टैंड के पास पहुंच गया हूँ, और इधर दिखा दूँ तो ये देखिए ये है अंबिकापुर का बस स्टैंड, और ये है वसुंधरा सिटी मॉल, तो ये बन नहीं पाया है अभी फिलहाल। और इधर आपको दिखा दूं तो ये है अंबिकापुर का बस स्टैंड, और इधर हम चलते हैं अब गांधी चौक के साइड। और अब पहुंचने वाला हूं मैं, ये है गांधी चौक, यही गांधी चौक से मुझे जाना है लेफ्ट की ओर, तो हमें वो ले जाएगा हम वेक्टर चौक, देख सकते हैं। काफी ज्यादा भीड़ रहता है, ये देख सकते हैं कैसे बीच से काट के ऑटो वाला निकाल लिया गाड़ी अपना ऑटो आगे, तो यही सब ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। इधर बस से देख सकते हैं सिटी बस, और इधर ये देखिए अंकल जी को स्कूटी से उल्टा साइड से आ रहे हैं, यही सब तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब कभी मैं निकलता हूँ वर्कशॉप से गाड़ी लेकर किसी कस्टमर को देने के लिए, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और बहुत ही रिक्शी होता है रोड पर, आप तो सही चलते रहेंगे पर इसमें लोगों का चलना थोड़ा उल्टा हो जाता है, उनको यही लगा रहता है हर हमेशा कि मैं कैसे पहुँचूँ और जल्दी पहुँचूँ, ये नहीं समझते हैं हिसाब से चलाना चाहिए, नियम के हिसाब से चलाना चाहिए गाड़ी, उल्टा साइड में नहीं जाना चाहिए, ये सब नियम के अंदर में समझ। ये देखिए भाई साहब, और ये है अपना
कंडक्टर चौक, यहाँ से मुझे राइट की ओर जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये राइट में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं बनारस, और सीधा जाएंगे तो सूरजपुर मनेंद्रगढ़। ये है पेट्रोल पंप, बनारस चौक बोलते हैं इसको, अम्बेडकर चौक भी बोलते हैं। ये भाई साहब को देखो उल्टा इधर से निकाल रहे हैं, कभी भी राइट की ओर से ओवरटेक किया जाता है, लेफ्ट में अंदर घूम के कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा तो लोग रहते हैं, समझ वाली नाम का चीज किसी के अंदर है ही नहीं। मैं पहुंच चुका हूं अभी गांधीनगर के पास, पहुंच ही गया हूं, और यहां पर पहुंचते ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता है शाम को, रोड यहां का चौड़ा ज्यादा है नहीं। ये देख सकते हैं गाड़ी का भीड़ ज्यादा रहता है यहां। और ये सामने है रेणुका गर्ल्स हॉस्टल, ये है अपना गांधीनगर एरिया, देख रहे हैं गाय बैल बीच बीच में। इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले। यही सब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और यहां से मुझे साई मंदिर की ओर मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट में, जैसे कि ये यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से मैं मुड़ चुका हूँ। अब मेरे को जाना है सीधा यहाँ से 400 से 500 मीटर आगे जाना है। देख सकते हैं जैसे कि मैं पहुंच चुका हूं, इसी घर में गाड़ी को देना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब पहुंच चुका हूं, गाड़ी अब कस्टमर को दे दूंगा, उसके बाद मैं यहां से निकलूंगा। तो मेरे इस वीडियो में नए हैं, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।